नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन या हाई बीपी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग लाइफस्टाइल की वजह से, अपने लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से हाई बीपी से ग्रसित हैं। लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है, लोग हर समय इतना परेशान रहते हैं, हर चीज़ से परेशान रहते हैं, लेट इट गो वाली फीलिंग नहीं होती बिल्कुल भी, तो जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस या पार्किंसंस या स्ट्रोक तक आने की टेंडेंसी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी हम बिल्कुल भी मैनेजमेंट करने में फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम योग में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हाइपरटेंशन हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रियाएँ प्राणायाम की मदद से हम सिंपली कैसे अपने हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं और कुछ ऐसी टिप्स जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं वो आपको सब बताऊँगा। तो आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम होता है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए? हम इस तरीके से दांतों को अपने बाहर निकाल लेंगे अच्छे से ई करके, और जीभ को तालू पर, तालू से दांतों के पीछे लगा करके, दांतों के पीछे जीभ को लगा करके श्वास को सक इन करना है हमने अच्छे से, जिससे कि थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स भी जैसे कि मानो अंदर जाती हैं। अब शीतली प्राणायाम करता क्या है? शीतली प्राणायाम हमारे जीभा को ठंडा करने का काम करता है। ध्यान दीजिए कि हमने कोई भी चीज़ गर्म नहीं करनी है अपने शरीर में। जब हमको हाई बीपी की समस्या ऑलरेडी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट साइड है बॉडी का वो दबा हुआ है, और लेफ्ट राइट साइड जो है वो ज़्यादा एग्रीवेटेड है, लेफ्ट साइड जो है वो दबा हुआ है। लेफ्ट साइड हमारी ठंडा स्वर होता है, ठंडी साइड होती है, चंद्रमा साइड होती है, मदर साइड होती है। लेफ्ट साइड, राइट साइड पे हमारी गर्म साइड होती है, सूर्य स्वर होता है, फादरली फिगर साइड पे होता है हमारा, राइट। तो हमारा इसका मतलब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा प्रॉब्लम में है अगर हमको हाई बीपी की समस्या है। हमने अपने सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करना है, थोड़ा शांत करना है, काम डाउन करना है। जनरली लोगों में आपने देखा क्या होगा कि जो भी हाई बीपी के पेशेंट्स हैं वो हर काम को बहुत फास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात करेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हर काम को करते हुए उनके हाथ पैर चलते रहेंगे, क्योंकि एक दिमाग में हलन चलन रहती है, एक दिमाग में स्ट्रेस रहता है, ठहराव नहीं होता, पॉज नहीं होता लाइफ में उनकी। अब जब तक ये पॉज वो लाएंगे नहीं या आएगा नहीं, तब तक आपकी हाई बीपी की समस्या कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आपको एक पॉज, एक ठहराव ज़िंदगी में लाना होगा तो आपकी हाई बीपी की समस्या ठीक होगी। प्राणायाम की मदद से हमारी ज़िंदगी में वो ठहराव जो हमें चाहिए वो आने लगता है। शीतली प्राणायाम, और नाक से एक्सहेल कर दिया। ये मेरा हाथ इनहेल और एक्सहेल को दर्शा रहा है, राइट। मैंने मुंह से एयर को सक इन किया है पूरा फोर्सफुली, और नाक से एक्सहेल किया है। ये होता है मेरा पहला शीतली प्राणायाम। इसके बाद दूसरा प्राणायाम होता है मेरा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? जब मैं अपनी जीभ को मुंह के थोड़ी सी बाहर निकालूंगा और सिकोड़ूंगा कुछ ऐसे, राइट। अब मैंने इसको जीभ को होठों के ठीक पीछे रखना है और होठ को चोचनुमा बनाना है।
जिससे कि मैं जब एयर को सक इन करूंगा तो वो बिल्कुल एक पतली सी होठों के बीच में से छेद में से होते हुए श्वास भीतर जाएगी। और जीभ को मैंने क्योंकि होठों के पीछे रखा हुआ है ठीक, तो पूरी हवा जो है वो जीभ के ऊपर से जीभ के चारों तरफ मतलब तीनों तरफ जीभ को ठंडा करते हुए जाएगी। देख लीजिए एक बारी कैसे जीभ को मैंने रखा ऐसे बना के होठों के पीछे। कई प्रांतों में जीभ को बाहर भी निकाला जाता है इस प्रकार। पर हम प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जीभ को भीतर रखा जाए। पर्पस समझिए इसके पीछे करने का कि शीतकारी प्राणायाम से हो क्या रहा है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। हमारा पर्पस है कि हम अपनी जीभा को ठंडा करें। मैंने आपको अभी भी बताया जीवा को ठंडा करने से क्या होगा, जीवा को ठंडा क्यों करना है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है इस वक्त, राइट। बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि हाई है तो हमको हाई बीपी की समस्या है। बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, तो हमारा ये जो टेम्परेचर हाई है ये ठीक होने लगेगा। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एंगेज होगा, कैसे एक्टिव होगा, जब हमारी जीवा ठंडी होगी, क्योंकि जीभ का टेम्परेचर जो होता है वो हमारी बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर को डिनोट करता है। तभी आपने देखा होगा कि हम थर्मामीटर को जीभ पे रखकर अपना बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, क्योंकि जीवा का टेम्परेचर एग्जैक्टली बॉडी का टेम्परेचर है। बॉडी जीभ को ठंडा करेंगे, जीभ ठंडी कैसे हो रही है इस क्रिया में, क्योंकि जीभ पे हवा लग रही है और जीभ पहले से गीली है, तो जब हवा और गीलापन मिलता है तो उसमें इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन हमने साइंस की किताब में सातवीं क्लास में पढ़ा था शायद कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब जीभ पे इवेपोरेशन होगा तो जीभ ठंडी होगी, जीभ ठंडी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होगा, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होगा तो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज होगा, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज होगा तो हाई बीपी की समस्या हमारी कंट्रोल में आएगी ही, राइट। ये सब साइंस है, सब साइंस है, ठीक है। अगला अभ्यास जो है, हाँ एक वार्निंग आप लोगों को दे देता हूँ, खास तौर पे बहुत स्ट्रांगली वर्डेड में बोल रहा हूँ कि हाई बीपी के पेशेंट भस्त्रिका का अभ्यास कभी भी नहीं करते, भूल कर भी जिंदगी में भस्त्रिका का अभ्यास हाई बीपी वाले पेशेंट नहीं करते हैं। उनका हाई बीपी इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा कि वो कभी भी ठीक होने में नहीं आएगा, ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे। अगला प्राणायाम जो हम करते हैं वो है हमारा चंद्रभेदन प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदन, चंद्र कई लोग कई चीज़ों में बोलते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करना कैसे है, मैंने विष्णु मुद्रा ली, विष्णु मुद्रा जिसमें मेरी अनामिका और कनिष्ठा बाहर है, तर्जनी और मध्यमा भीतर है, अंगूठा बाहर है, और सीधे हाथ का उपयोग करते हुए, लेफ्ट हैंड का उपयोग नहीं करेंगे, सीधे हाथ का ही उपयोग करेंगे केवल और केवल। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, ये हुए तीन चक्र। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से इनहेल किया है, राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर लेफ्ट से ही इनहेल किया, फिर राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, तीन चक्र। हम कम से कम इसके 20 से 30 राउंड्स, 20 से 30 चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम के रोजाना करें तो हमारा हाई बीपी की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, राइट। और इसके अलावा हम कपालभाति भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम
योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति योग निद्रा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं काफ़ी सारे वीडियो में काफ़ी सारे डिटेल में बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी बढ़िया आराम से। और साथ ही साथ एक एक्सरसाइज ज़रूर बता देता हूँ कि पिंडलियों की हमने एक्सरसाइज ज़रूर ज़रूर करनी है अगर हमको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। पिंडलियों की एक्सरसाइज हम क्यों करें? क्योंकि पिंडलियाँ आर द सेकेंड हाफ्ट ऑफ द बॉडी। इफ़ आर calves are stronger enough, if the blood circulation in the calves are stronger enough and it is going very well, हमको बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, पार्किंसंस की समस्या, पैरालिसिस की समस्या कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकती। इफ़ आर calves आर वेरी वेरी हेल्दी, राइट। कैसे कर सकते हैं हम अपनी calves को पंप? थोड़ा सा हमने क्या करना है, हमने या तो यहाँ पर बैठ करके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, या तो यहाँ बैठ करके या यहाँ बैठ करके एक दो तीन चार पाँच छ, जिन व्यक्तियों के घुटने कमज़ोर हैं वो ना करें, ठीक है। यदि आपके पटेला पे डायरेक्ट इसका प्रभाव आ रहा हो तो आप ना करें, और सबसे बेहतर है कि हम खड़े होकर के ही पिंडलियों को इस प्रकार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इस प्रकार से करें। अब जिस बात का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है वो ये है कि रिलैक्सेशन टाइम कितना है और पंपिंग टाइम कितना है, राइट। हाई बीपी की समस्या अगर आपको है तो आपको रिलैक्सेशन टाइम हमेशा अपने अभ्यास के बीच में ज़्यादा रखना चाहिए, पंपिंग टाइम कम रखना चाहिए। अगर आपको हाइपोटेंशन है तो आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज का समय ज़्यादा देना चाहिए और रिलैक्सेशन का समय कम देना चाहिए, राइट। अब अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, आपको कोई बात क्लियर करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, लाता रहूँ। ये एक सामाजिक कार्य है और ये सामाजिक कार्य समाज से बनता है, समाज के लोग इंक्लूड होंगे तो ही ये काम सफल होगा, अन्यथा मैं अकेला ही वीडियो बनाता रहूँगा, आप एक बंदे ने देख ली और हो गया काम, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, आपको इसको लाइक करना पड़ेगा, आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी अच्छी वीडियोज़, और तभी हमारे समाज का कुछ कल्याण हो पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।